हेलो एवरीवन, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हो यह हमारे पास महिंद्रा जी को जो 45 डी है, इस पर हम धान कुट्टी मशीन चला रहे हैं, मिनी राइस मिल जो कि इस पर अभी चल रहा है। ये इस पर 8 नंबर आलर लगा हुआ है, आप देख सकते हो आप लोग। और एक भाई बोला था कि पूरा पंखी का वीडियो पूरा दिन बनाए, जो कैसे कैसे चावल निकलता है, तो इसके लिए हम वीडियो बनाना पड़ा मुझे। और इसकी लोड की बात करें तो घंटा में 9 बोरा 8 बोरा ऐसे करके निकलता है, इससे ज़्यादा इसका क्षमता नहीं है क्योंकि 8 नंबर हालर है। 2 नंबर हालर जो है 12 बोरा 13 बोरा निकाल लेता है, ये 8 बोरा से ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा 9 बोरा से। ये इसमें हम सिंगल घाट का सेल लगाया है स्पेशल, तो आप लोग देख सकते हो इसका फिटिंग कैसे कितना अच्छा से किया है। इसमें छोटा सा सापट लगा हुआ है, इसका चावल जो है यहाँ से निकलता है, देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा भूसा आएगा, यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा भूसा है, यहाँ पे भूसा आएगा इस साइड से, अंदर से जाता है, यहाँ से इस पंखी के अंदर जाएगा, इसके बाद यह निकलता है नीचे की साइड, जो कि पूरा भूसा साफ होकर के निकलता है। इसमें चावल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चावल में भूसा, एक भी भूसा नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आएगा, यहाँ पे थोड़ा और लोड खोल लेते हैं, इसके बाद दिखाते हैं कितना भूसा निकलता है। तो लोड खोलने के लिए यहाँ से हम ऑटोमेटिक है, ये इसको हम ऑटोमेटिक बना दिए हैं। इसमें देख सकते हो आप लोग छोटा सा पत्ती लगा हुआ है, इसमें डाल दीजिए, इसमें छोटा सा पत्ती लगा हुआ है, उसी पत्ती को एडजस्ट कर देते हैं इस नट के थ्रू, इसको थोड़ा डाल देंगे तो लोड कम हो जाएगा, इसी के थ्रू हम थोड़ा लोड खोल लेते हैं। आप लोग देख सकते हो कि भूसा कितना निकल रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर से जाने के बाद चावल जो है ऐसा निकल रहा है, पूरा फ्रेश होकर के निकलता है। तो इसका पंखी का प्रोसेस इतना ही था, और माइन गुंडा जो है वो नीचे की ओर निकलता है, ये बोरा से ढका हुआ है, ये आप देख सकते हो इस साइड में बाहर में निकला हुआ है, बस इतना ही। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो ट्रैक्टर से संबंधित किसी भी वीडियो का आपको ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकते हो आप लोग, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। इसमें हम मैं फिटिंग जो है कैसे करता है वो भी आप लोग को दिखा दूंगा। नांदा देख सकते हो कितना लोड ले रहा है ये ट्रैक्टर, कभी कभी जो है ज़्यादा आवाज़ देता है, इसका मतलब है कि इसमें एक, ये देख सकते हो भूसा यहाँ पे निकलता है यहाँ से, यह महिंद्रा जीवो 245 दिया है। यहाँ पे जो है ना कभी कभी आवाज़ जो आ रहा है खटखट का, उसमें जो है अंदर में स्लीपर लगा हुआ है, जैसे कि इसमें लोड आएगा तो वहाँ पे थोड़ा स्लिप मारेगा अंदर में, जहाँ से पीटीओ पावर मिलता है इसको, इसमें डबल पीटीओ है, तो इकोनॉमिक पे हम चलाते हैं। देख सकते हो ये महिंद्रा जीपो मिनी ट्रैक्टर, जो कि बहुत अच्छा है, इसका लॉकिंग 4x4 का है, और ये यहाँ पे पीटीओ है जो कि इकोनॉमिक पे चला रहे हैं अभी। का लोड जो है 8 बोरा से 9 बोरा निकालेगा, बहुत सारे बार फोन करके बोलते हैं कि कितना लोड लेता है, तो इसका क्षमता जो है 9 बोरा से ज़्यादा नहीं है। हम छोटा ट्रैक्टर चलाते हैं इसीलिए इसको 8 नंबर हालर लगाए हैं, नहीं तो 2 नंबर भी हालर इस पे टांगता है, लेकिन जो है वो 2 नंबर हालर किसी बड़ा से बड़ा ट्रैक्टर को बैठा देता है, इतना हार्ड होता है, वो ज़्यादा लोड लेता है, 12-13 बोरा निकाल लेता है घंटे में वो। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
इसका वीडियो आप लोग को बता ही दिया। इसको देखो मैं पत्ती पूरा खोल दिया है, अगर लोड ज़्यादा आपका ट्रैक्टर ज़्यादा दब रहा है तो ये पत्ती को थोड़ा निकालना चाहिए, जितना लोड ले सकता है आपका ट्रैक्टर उस हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे भी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।